सुरेश जी एक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ हमारे बीच आए हैं। सुरेश जी का हमारे साथ आर्गो बिनाथ जी की क्लास में है, तो हम इनका एक्सपीरियंस देखते हैं। तो हमने सबको रिक्वेस्ट की थी कि सर ये जो शेयरिंग है आप हमने गोपीनाथ जी से परमिशन ली थी, क्या हम वो चीजें बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा जिसका फायदा हो सकता है आप उसको शेयर करें। बहुत बढ़िया सबने उसकी तैयारी की है और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं। सर का जो वास्ट एक्सपीरियंस है ना, लास्ट 35 ईयर से इस लाइन के अंदर है, और कैसे बातों बातों में आपको पॉलिसी शेयर कर देते हैं आपको भी नहीं पता। तो इतने मस्त रहते हैं। और अरोड़ा की भी 65 कितनी है सर? 65। और अरोड़ा जी ने भी बताया कि मेरे को कोई बीमारी नहीं किसी तरह की, मुझे बहुत खुशी हुई थी। सर इसी तरह आपको मेंटेन रखे भगवान और ऐसे ही सेवा करते रहो। एक बार जोरदार तालियों से। छठा तत्व जो है ना इंसान ने बनाया, दैट इज मनी।
इट इज ए मैन मेड रिसोर्सेस। ये हमारा इंसान का बनाया हुआ, इट इज ए मैन मेड रिसोर्स। ये रिसोर्स और इसको यूज करके जो जिसका यूसेज हमारे जीवन में हर कोने में है। और अब क्या है, जब इतना बड़ा यूसेज है और इसकी वैसे इंपॉर्टेंस क्या है आपके हिसाब से, क्या इंपॉर्टेंस है? वैसे आप क्या सोचते हैं? यही कह रहे हैं पैसा सब कुछ है। जैसे पांच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बनाया, सृष्टि बनी है ना, तो या तो मानव का जीवन भी चीज छठे तत्वों के बिना संभव नहीं। वाह, आप एग्री करते हैं? मतलब क्या है कि इसका जो ये जो मनी की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इट इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे को जिंदगी जो किसी कोई जो भी ह्यूमन बीइंग है इस दुनिया के अंदर उसके सर्वाइवल के लिए ये पैसा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, या नहीं? आप एग्री करते हैं इस बात से? Yes, अब जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इस पैसे को हम हमारे को मैनेजमेंट भी तो उसी सिद्धांत से करना पड़ेगा। जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको उसी सिद्धांत से उसी मतलब इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा कि भाई कैसे इसको मैनेज, यानी तो मनी का मैनेजमेंट हम कैसे करें उसी प्रोफेशन में, हमारा पार्ट भी तो उसी प्रोफेशन में है। यही तो प्रोफेशन है कि हमें लोगों को यह बताना है कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। यार हमारा सम पार्ट का है, यही काम है हमारा, हमारा काम तो यही है ना कि भाई हम बताएं लोगों को कैसे मैनेज। हम टोटल मैनेज नहीं करते पर पार्ट ऑफ इट हम किसी पे चलते। अब अगर मैनेजमेंट करना है अब उससे तो हमें क्या करना है, हमको पहले ये सोचना पड़ेगा ये पैसा हमारे पास आ कहां से रहा है। अगर मैनेजमेंट करना है तो पहले तो ये देखेंगे ना पैसा आ कहां से रहा है, इनफ्लो देखना है कि भाई हमारा पैसा जो रोल ऑफ मनी है क्या है हमारी लाइफ में, वो तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पैसा आ कहां से रहा है। आपके पास नवीन जी पैसा कहां से आ रहा है? पैसा बिजनेस से आ रहा है। बिजनेस से? आपके पास जो कार्य करते हैं उससे जो हमें जो सेवा देते हैं उससे जो हमें पैसा मिलता है। आप देखो एक बिजनेसमैन आपका कमीशन से यार आपने बोलो मैं काम कर रहा हूं। तो काम अगर बिजनेस का जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस को जो रिक्वायरमेंट है जिस काम की अगर वो उसी हिसाब से करेगा तो पैसा आएगा ना। बंदे फेल भी होते हैं ना, और कई लोग वो का पैसा ढूंढता भी है, कई लोगों की नौकरियां भी जाती है, क्यों जाती है? अनएथिकल काम करते हैं। तो पैसा बिजनेस जो है ना और सैलरी प्रोफेशन ये एक सोर्स है, टूल है। पैसा बिजनेस से नहीं आ रहा है, बिजनेस से मैं कमा रहा हूं। असली बात मुझे ये समझ आती है कि मैं कमा रहा हूं। आप इंश्योरेंस का काम करते हैं घर बैठे रहो ना, कहां से आ रहे हैं?
बिजनेसमैन है वो 10-8 बजे अपनी शॉप खोलता है, मेन सोर्स तो नहीं हो गया ना, मेन सोर्स तो नहीं हो। तो हमारा हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं पैसा कमा रहा हूँ किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू, सैलरी के थ्रू, कमीशन के थ्रू। और आप दुकानदारों से पूछोगे तो वो क्या बताएगा, मेरे बिजनेस है। कोई नहीं, उसको ये नहीं समझ आता कि बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। मैं कहा भाई घर कैसे चल रहा है, कहता बिजली से चल रहा है। अरे मेरी वजह से पैसा आ रहा है और पैसे से घर चल रहा है, इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। तो मैं हूं सब कुछ, तो पैसे का सोर्स क्या है? माय सेल्फ। किसी भी प्रोफेशन में जाओ, किसी भी उसमें जाओ, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, वो खुद कमा रहा है और उसका जरिया क्या है? ये है, एडवोकेट है, बिजनेस है, कमीशन एजेंट है, धंधा है, कुछ सभी चीजें, कुछ भी है, तो वो सेल्फ है। और सेकंड सोर्स दो तरह से पैसा आता है। सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट, एसेट। हमने कमाया, खर्चा किया, कुछ जमा किया, तो हमारा एसेट। These are two source of income. ये source है दो, एक तो हमारा खुद हम कमा रहे और एक हमारी asset हमें कमाते हैं, तो दोनों हमारे ये source of income। तो पैसा तो आ गया, अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? Where this money is flowing? आपका पैसा जा कहाँ है? आप मतलब जो नीड है हमारी, नीड को पूरा करने के लिए पैसा जा रहा है। हमारी आवश्यकता की नीड जरूरत से जो दिया हमारी उसको पूरा करने के लिए। आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन पूरा करना, और आपके कहा जाता आपका खर्चे। अगर इसको और थोड़ा माइन्यूटली देखिए, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो पैसा पहले सबसे पहले मैं कहाँ यूज करूँगा? अनमैरिड है, पैसा कमाएगा तो वही लाऊंगा भाई। लड़की पटा सकता है, पैसा अपने ऊपर खर्च कर, तो वो खुद अपने ऊपर पहले खर्च कर और अपने भी रिक्वायरमेंट है उसके भी आगे आया हम कि मैं अपने लिए पैसा खर्च करूंगा। अब मैंने क्या हुआ, हम इकट्ठे थे, परिवार इकट्ठा होता है, तब हम अनमेरिड होते हैं, भाई बंधु भी होते हैं, मकान बना, मैंने कहीं जरूर नहीं दिया मकान बन गया, या मैंने अपने एडमिशन के लिए पैसा लेना था लिया, मैंने पढ़ाई के लिए देना पैसा, तो मेरा पैसा पास्ट के लिए जो कमिटमेंट है उसके लिए जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पास्ट की कमिटमेंट की मैं खर्चों का नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा है कि हमारा जो बैलेंस है, जो रोज के खर्चे, आज प्रेजेंट के खर्चे, मुझे शाम को पैक लगा कहीं घूमने जाए या और कोई चैरिटी करनी है मुझे या कुछ भी करना है, मैं खर्चूंगा पैसा। तो पास्ट के लिए पैसा खर्चना है मुझे, प्रेजेंट के लिए भी खर्चना है और फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है। क्यों कर रहे फ्यूचर के लिए? देखो हमारे जीवन में लाइफ के आपको पहले भी देखा होगा ये तीन स्मेल है, 25 साल से कमाना शुरू हुए, 60 साल तक कमाया, ये अर्निंग स्मेल है कि? और हमारी जिंदगी एवरेज मानता हूं 75 इस दुनिया में आए, 0 से 75 ये हमारा लाइफ है।
और हमारा ये क्या एक्सपेंड एक्सपेंडिचर स्पेंड वो क्या हमारा खर्चा कब हमारे खर्चे का स्पेंड कितना बड़ा है जीरो से पच्चीस और साठ से पचहत्तर पच्चीस मतलब कैसे पच्चीस के बाद जीरो से पच्चीस मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ जब इस दुनिया में आए और जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक खर्चा करना पड़ेगा और उसके बाद भैया एक साल पहले भी खर्चा स्टार्ट हो जाता है आने से पहले घरों में गए ना माध्यम उतने से खर्चा चालू होता है वो एक साल पहले लगता है गर्भ में आने से पहले भी डॉक्टरों के चक्कर लगने लगा तो एक साल पहले और एक साल बाद तक भी खर्चा होता है दिस इज ए एक्सपेंसिव स्पेंड और कमाई का कहां पे है कहां पे बस तो मुझे फ्यूचर के भी अपने लिए अपना खर्चा भी तो देना है अपने लिए तो पैसा रखना पड़ेगा कि नहीं रखना यहां पे मेरी इनकम बंद पर खर्चा तो है खर्चा बंद हो गया क्या खर्चा तो चलता है खर्चा चलता रहेगा ना कहां से आएगा सेविंग मतलब फ्यूचर में एक खर्चे के लिए मैं पैसा रखूंगा तभी आएगा ना तो इसमें एक निचोड़ क्या निकला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है निचोड़ क्या निकला Our income is not permanent, but our expenses are permanent. हमारी इनकम परमानेंट नहीं है बट अवर एक्सपेंसिज आर परमानेंट तो हमारे को जो सेल्फ के लिए अपने को अपने लिए भी रखना है पैसा यानी अब ये तो सेल्फ निपट गया अब शादी होगी बच्चे आगे अब फैमिली का भी तो हमने बच्चे बनाए किए हमारी जिम्मेदारी है हमें उनको प्रोवाइड करना है अब हमारा हम जब इस दुनिया में आए थे डेढ़ फुट के थे डेढ़ इंच के थे हमारे को 25 साल थे माँ बाप ने 6 फुटा बना दिया 70 किलो का बना दिया बिना पैसे हो गया क्या अब वो हमारे माँ बाप ने रोल किया हमारे साथ हमें भी तो वही रोल करना है या नहीं करना तो हमारे को फैमिली के लिए पैसा खर्च करना वहां जाएगा पास्ट कमिटमेंट घर बनाए अब मैंने तो जब कट्ठा था हमारा जॉइंट फैमिली तो घर बन गया अब फैमिली बड़ी हुई तो अपने लिए बनाना पड़ेगा घर भी घर के लिए पैसा चाहिए पास्ट कमिटमेंट है मैंने गाड़ी ले ली उसकी ईएमआई भरनी ये मेरी पास्ट कमिटमेंट है गाड़ी परिवार के लिए ली उसमें अपना भी आ गया परिवार भी आ गया तो वो मेरी पास्ट कमिटमेंट है जो भी मैंने किसी बिजनेस के लिए पैसा लिया तो वो भी हमारी पास्ट कमिटमेंट है तो फैमिली से रिलेटेड है कोई चीज हमने पास्ट में पैसा ले लिया और उसको यूज कर लिया फैमिली के ऊपर वो हमारी पास्ट वहां पैसा जाएगा फिर ऑन गोइंग एक्सपेंसिज है इसका राशन पानी का बिजली के बिल पानी के बिल ड्राइवर रखा उसका बिल घर में काम वाली बाई आती है उसका बिल ईएमआई भरना है उसका ठीक है और टैक्स मतलब और आपका आप ये समझ लीजिए कि बच्चों की एजुकेशन है ये रेगुलर एक्सपेंसिज है इसके लिए प्रेजेंट के लिए पैसे जाएंगे फिर फ्यूचर में के लिए तो पैसा जाएगा कि जो हमारे बच्चों की शादी है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी ड्यूटीज है उसको निभाने के लिए हमारे को पैसा रखना पड़ेगा बच्चों की शादी है एडमिशन मतलब एडमिशन का खर्चा है पढ़ाई का खर्चा है अनएजुकेशन का खर्चा है उसके लिए भी पैसा जाएगा चाहिए कि नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा उसमें जाएगा। और ये हमारा ये फैमिली के लिए तब तक जाएगा पैसा
जब तक बच्चे हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक तो हमारी ड्यूटी है ना उनको पूरा करने के लिए। फिर फ्यूचर के, ये फ्यूचर में अब आज मेरे बच्चे मान लो 2 साल के हैं, अब फ्यूचर के लिए उनके लिए मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पैसा कहाँ का जाएगा, फैमिली के लिए, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। जब इनमें से पैसा बच गया तो फिर मैं सोचूंगा यार परिवार के लिए ना मैं बच्चे को गिफ्ट देना चाहता हूँ जो उसको लाइफ लॉन्ग इनकम है, या मैं उसको 200 गज का प्लॉट देना चाहता हूँ धरोहर। ये परिवार क्या ऐसा नॉर्मली होता है कि नहीं होता कि हम लीगेसी, मेरे पास पैसा और है तो फिर मैं लीगेसी क्यों मैं छोड़ दूं। जहां तक आप एग्री करते हैं, एनी क्वेश्चन दिस रिगार्ड, क्लियर है बात? तो हमारे को लीगेसी के लिए भी हमारा पैसा अब आया कि ये जो पैसा है ये लीगेसी के लिए जा रहा है। और क्या आपसे मैं पूछता हूं, आपको सब मालूम है नहीं बात मालूम है कि नहीं जी? तो क्या आपने अपने पैसे का मैनेजमेंट इस हिसाब से किया हुआ है? या नॉर्मल समाज में देखते हैं लोग ऐसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब नहीं कर रहे तो फिर पैसे तो कमा रहे हैं, फिर जा कर रहे हैं उनका पैसा, पैसा तो है। अच्छा आपको मालूम नहीं था पहले जो मैं आज बात कर रहा हूं उससे पहले आपको मालूम था ही बात? क्यों घर में खर्च नहीं कर रहे, फ्यूचर के लिए कर रहे हो ना, कैसे नहीं मालूम था? फ्यूचर के लिए कम करते हैं, अवेयर नहीं थे बस, नहीं कर तो रहे हो ना, आप भी कर रहे हो ना पैसा। अच्छा पैसा कमा भी रहे हो, आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है ना, काम तो हो रहे हैं और ये भी पता है बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये भी मालूम है ना। फिर क्या आपने अपने सिस्टम में कुछ ये इस तरह से चला रहे हो कि नहीं? मैं आपसे हम पहले तो खुद से अपने आप को तोड़ लेना, क्या हम इस अपने इस सिस्टम से चला रहे? पहले आप ये बताओ हमारी हमारी को इसको जानने से पहले हमें ये देखना चाहिए हमारी प्रायोरिटीज। मैं एक आप एक एक करके आपसे इसका आंसर चाहता हूं। आप बताएं जनरली कि हमारी सब मैरिड है बच्चों वाले कि हमारी प्रायोरिटी क्या है फ्यूचर की? एजुकेशन, एजुकेशन, मैरिज, मैरिज, रिटायरमेंट और घर। आपके ऊपर आपके माता पिता डिपेंडेंट है, उनको खुशी देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? तो रिस्पेक्टफुल लाइफ, लाइफ फॉर पेरेंट। आप अपनी लाइफ को कर्जे में चलाना चाहते हैं तो ये आपका प्रायोरिटी है या नहीं है? सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण आज की डेट में ये है। अच्छा रिटायरमेंट, अच्छा जिस पत्नी ने आपको पूरी जीवन साथ दिया है उसको एक सपोर्ट की लाइफ, फाइनेंशियल फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ देना आपका मतलब प्रायोरिटी है या नहीं है? बिल्कुल। स्ट्रेस फ्री, फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री, वेलबीइंग, वेलबीइंग कर लो, माय स्पाउस वेलबीइंग। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये प्रायोरिटी है। आपसे मैं पूछता हूं
ये 8 प्रायोरिटी किसकी पूरी है, इसके लिए क्या आपने पैसे का इंतजाम किया? आप बताओ। देखो वो कुछ नहीं, जो है सो है, अपने वो विंडो ड्रेसिंग का कोई मतलब नहीं, जहां पे हम खड़े हैं वहां है। आप 8 में से आपकी कितनी, इन 8 में से आपने अभी ये प्रायोरिटी है आपकी है, इसमें से नहीं चल रही है, पूरी हो चुकी है, पहले बताओ पूरा फंडिंग हो चुकी है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। मतलब किसके ऊपर निर्भर है आप कमाओगे तो जी, अर्निंग पावर पे निर्भर है, आपकी अर्निंग पावर है ना मुख्य, जिंदा हम रहेंगे तो ही तो होगा, अगर नहीं रहेंगे तो लटक दिया जाता है, लटक गई ना दर में। मैं इतना बात आपकी पूरी है है? नहीं नहीं, आपकी प्रायोरिटी कितनी हो सकता है, सारी ना हो आपकी, आप बताओ आपकी प्रायोरिटी सारी है? नहीं, मेरे को तो लगता सारी है, इनकी पूरी होनी सारी कंप्लीट हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा, आपकी प्रायोरिटी सारी है आज की डेट में खड़ी है, कंप्लीट है, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट है या आप बताओ आपकी सारी प्रायोरिटी है? उसमें से दो तीन का अरेंजमेंट हुआ, बाकी रह गई। और कौन कौन सी रह गई बताओ? के लिए अलग है। ये नहीं है अभी, अभी एजुकेशन में चल रही है, अभी मतलब चल रहा है, तैयार है, पैसा तैयार है उसके लिए, हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं तैयार है या नहीं नहीं उसके लिए नहीं करना, एजुकेशन के लिए नहीं। अरे भाई मैरिज के लिए पैसा आपका क्वेश्चन एक है, तैयार है आज की डेट में पैसा या नहीं है वो LIC की पॉलिसी या नहीं? मैं आपको वो आगे कहा गया है, आपका आज पैसा तैयार है नहीं? मतलब ये अर्निंग पावर पे निर्भर है, आपका बच्चा सारी प्रायोरिटी है भाई साहब, कोई आपकी नहीं, कोई रेडी नहीं है, एजुकेशन रेडी है और वो बाकी सब नहीं है, आपकी कुछ प्रायोरिटीज कुछ ही है, बाकी तो रेलेवेंट नहीं है। हाँ तो बताओ ना कौन सी आपकी प्रायोरिटी रेलेवेंट है वो बताओ। एजुकेशन, एजुकेशन रेलेवेंट है, मैरिज, हाँ है, मैरिज 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 ये है, अच्छा और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट भी है और पहले वाली फर्स्ट वाली, ये चार प्रायोरिटी आपकी है, इनके लिए बढ़ पड़ेगा अभी तैयार हो रहा है। अच्छा मैं सबसे पूछता हूँ इन चारों के लिए किसका फंड तैयार है? मेरा, आपका तैयार है, एक को छोड़ोगे बाकी तीन का तैयार है, बिल्कुल तैयार आज की डेट, ठीक है। और बाकी का मेरे को एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, जिसका अभी तैयार है या नहीं, तो मैं मानता हूँ कि सबका जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इज इट राइट? अर्निंग पावर के ऊपर डिपेंड, अर्निंग पावर के ऊपर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा मेरे भैया एक बात बताओ कि इसके लिए जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका सिस्टम जो है, आपको लगता है कि वो जिस रास्ते से आप जा रहे हो और उस इन चीजों के लिए पहुंच जाओगे राइट टाइम पे, एट राइट टाइम विद राइट वैल्यू पहुंच जाओगे? नहीं, कोशिश नहीं, आज आप देखो यू आर फाइनेंशियल प्लानर, क्या राइट टाइम पे राइट वैल्यू के साथ जब आपको ये प्रायोरिटी खड़ी हो जाएगी आप पहुंच पाओगे? मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, पहुंच पाओगे है? बता बता प्लीज, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, एक बार जोरदार ताली डाल।
क्वेश्चन पूछने जो अरोड़ा साहब मानते कर रहे हैं जबरदस्त मैं तो आपसे पूछना वार नहीं आ रही ना। अब आप एक बात बताओ, ये चीजें हैं जब हम उनसे पूछते हैं, जब हमारी पूरी नहीं है अब क्या समझ, तो समाज में संपत्ति नहीं होगी किसी की भी कहीं होगी। प्रॉपर्टी तो आठ से भी ज्यादा हो सकती है सर। मैं तो आठ एक यहाँ पे जो हाउस बैठा है हाँ उसके अनुसार बहुत कुछ है जी। तो लोगों की प्रायोरिटी पूरी नहीं है जी, क्यों नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पहले सबसे पूछता हूँ, पैसे आप कमा रहे कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके पैसे को कंट्रोल एक मिनट कर प्लीज पैसे का कंट्रोल कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? नहीं, पैसे के लिए नहीं, वो नहीं, पैसा आप कमा रहे हो आपके हाथ में, सुस्लिंग कैसे होता है? नहीं, मतलब मुझे एक बात बताओ, उसका कंट्रोल है या नहीं? आप कंट्रोल नहीं, आप क्या क्या क्यों नहीं? पैसा तो आप कमा रहे और खर्च भी कर रहे, आपके हाथ से जाता है, चेक आपके हाथ से कटता है, तो फिर कैसे कंट्रोल नहीं होता? अरे भाई आवश्यकता है तो जाएगा तो वही ना, मैं सब कह रहा हूँ जाना तो वही है, पर क्या आपके कंट्रोल के अनुसार जा रहा है? कुछ हमने कमिटमेंट कर रखे हैं उनके हिसाब से कर रहा है, कमिटमेंट हमने चाहे इमोशन में करी है, चाहे किसी भी होड़ से कर लिया, जैसे कर ली बरोडा साहब की कार होंडा सिटी, तो मैं होंडा सिटी से पढ़ी लूंगा, तो कंट्रोल मेरी इच्छाओं का हो गया, मेरा मतलब पूरे मतलब मेरे इमोशंस कंट्रोल करने का, मैं नहीं कंट्रोल जहाँ आप बताओ आवश्यकता तो पैसे की पैसा चाहिए हमारे लिए होना किस लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अब पहले हमने क्या बात करी कि कहाँ जाना पैसा और कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए वही तो जाएगा खर्चे करिए थोड़ी है कि भाई टूटे में तो दाब नहीं सकते पैसे को कि भाई वहां पड़ा पड़ा जो ना पड़ जाएगा और मेरा काम चल जाएगा, ऐसा तो खर्चा करने के लिए है ना, क्यों इम्पोर्टेंस क्यों है पैसे की? आपने सबने कहा कि भाई जीवन चलाने के अगर परिवार का अपन बच्चे तो पैदा कर दिए उनको पैसा ही नहीं दिए रोटी पानी की जान नहीं दिया तो खाई को क्या भाई, पैसा तो जाएगा। क्या आपके कंट्रोल में है पैसा, कंट्रोल करके कर रहे हो या नहीं? आप बताओ ना इस क्वेश्चन कंट्रोल कर कैसे कंट्रोल करते हो? जहाँ पे जरूरत होती है वही भी खर्च करते हैं, जो भी पैसा आता है उसी के हिसाब से आता उसी हिसाब से कर्जे रखते हैं, तो आप कर्जा कभी जरूरत पड़ी कोई चीज की तो भी उस हिसाब से ईएमआई पे करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अपने उन्होंने बताया से अपने एक बात करो, ये आठ मेरी प्रायोरिटी है आपकी कितनी नहीं, घर पूरा हो गया आपका जी, और पहले बताओ ये पार्टी है आपकी या नहीं है? अच्छा और क्या किया आपने? एजुकेशन पानी पूरा नहीं है सर, मैरिज का कंप्लीट नहीं है, नहीं है अच्छा, रिटायरमेंट के लिए कोई एलआईसी की कुछ पॉलिसी प्लानिंग की हो अच्छा, जो भी अभी इनकम आ रही है मतलब का जो भी होता है उसके हिसाब से। अच्छा आपकी प्रोटेक्शन की प्रायोरिटी नहीं है? नहीं है प्रोटेक्शन पहले। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी इनकम से क्या चल रहा है जी? आपकी इनकम कैसे रुक सकती है? काम नहीं कर रहे काम नहीं और कैसे भी या कभी कुछ अकस्मात कुछ हुआ तो क्या हुआ? डिसेबल हुआ, डिसेबल डेथ है, क्रिटिकल इलनेस है, कुछ कारण भी होते हैं कि मान लो फैमिली का कुछ बात हुआ तो वहाँ में ज्यादा तो नहीं नहीं पेमेंट एक मेन जो कारण है
आपने बोला डेथ सेंटेंस क्रिटिकल इलनेस से रुक सकती है, डिजेबिलिटी से रुक सकती है, भारी बीमारी से रुक सकती है, ये प्रोटेक्शन आपने क्या सबका इंजाम कर रखा है क्या? तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है क्या? है तो फिर आपने इंजाम ही नहीं किया कितने साल के आपके आपको पैसे आपको प्रायोरिटी है ना, पैसा तो जाएंगे ना तो आपके कंट्रोल पे कहा है। आप जब ये मान रहे हो कि मेरा प्रायोरिटी है और मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में, तो आपकी जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से तो नहीं है। हाँ उस हिसाब से नहीं जाता, कुछ हद तक कंप्लीट ये देखो यही चीज है कि हमारे पैसे का कंट्रोल Who and what controls your money? In the absence of plan, your emotion and situation controls your money. Direct the flow of fund. In the absence of a plan, the flow of money In the absence of plan, your emotion and situation will direct the flow of money. Direct की वजह control वाले भी करने हैं। Control करने तो क्या? अब आप एक बात बताओ, मेरे पास 20 लाख रुपए रखा है। दो साल बाद मेरे बच्चे को मैंने higher education के लिए डालना है। मैंने इसलिए खुला रखा कि भाई बच्चे को जब जरूरत होगी मैं पैसा यूज करूंगा। मेरे साले साहब आ गए, जीजा जी मेरे बच्चे को डॉक्टर का एडमिशन कर रहा है, मुझे 10 लाख रुपए का मैंने एग्जाम कम कह रहा है, तो मैं जैसे ही आएंगे मैं आपको दे दूंगा। अब हमारी पत्नी श्री आ गई, वो भी इंटरफेयर कर रही है, हमने दे दी। जब अपने बच्चे का एडमिशन आया उसे क्यों, उसने जो पहले किया इंजाम वो भी कर्जे से लिया और उसके दिमाग में जीजा जी को बाद में दे देंगे, पहले दूसरे का होता तो हम तो डोल्ड्रम में आ गए। क्या ये क्या सिचुएशन इमोशन? हमारी इमोशन है मेरे मेरा मन करा, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है आया, बहुत डिग्री दोस्त है, वो आया वो कहता है यार इतने साल हो गए, इतने साल हो गए ये भैया सिंगापुर दुबई चलते हैं, परिवार समेत चलते हैं, हमारा इमोशन आया हम चलते हैं, 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए और अगले साल एजुकेशन के लिए रखे थे पैसे, उसका एडमिशन हो गया, अब पैसे है नहीं, बैंक में जाके अंगूठा टेक दिया, लाओ पैसे। ये क्या है? पैसा मेरा खुला था, इमोशन खड़ी हुई, सिचुएशन खड़ी हुई और मैंने पैसे को दे दिए, कोई प्लान नहीं था इसलिए वो था ना। तो हमारी इमोशन एंड सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ प्लान, अब प्लान अगर हमारा होता हमारे पैसे फंसे होते, कहीं एंटेंगल्ड होते, हमने पैसे का एलोकेशन की कर रखा होता, हमने उस पैसे का एप्रोप्रिएशन कर रखा होता, भाई मेरे पास तो है नहीं यार, है ही नहीं, तो मेरा गोल अम्बीट आउट हो जाता। तो अगर अच्छा आप हमारा पैसे भी है कमा भी रहे हैं सब कुछ बात है और उसके बाद भी हमारी फाइनेंशियल वरीज हमारे साथ चलती रहती है, हम पैसे के लिए भी परेशान है, क्यों है? क्योंकि हमने अपने लिए एक सही तरीके की प्लानिंग नहीं की। इन द एब्सेंस ऑफ प्लान इसलिए हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और
अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करके और उसको उसके अनुसार हम इस प्लान के साथ बंधेंगे तो हम अपने जीवन में जब जब हमारे लिए पैसे की जरूरत होगी, हमारे पास पैसे की अवेलेबिलिटी होगी, तो हम अपनी फाइनेंशियल वरीज को कम कर पाएंगे या नहीं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? और हमारा जब ये हाल है तो समाज में भी तो यही हाल है, समाज को हम भी तो उसी समाज में आते हैं और उसी समाज से हम में रहते हैं, तो हमारे को फाइनेंशियल जो प्लान है हमारे को ये लिखा है इसमें कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या अब इसमें हम देखें फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस, क्या है एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल नीड दैट विल अराइज इन फ्यूचर, दैट अब हमारी जो फ्यूचर की नीड है इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर फ्यूचर नीड ऑफ मेकिंग फॉर फाइनेंशियल नीड दैट मे अराइज इन फ्यूचर। इसमें इंपॉर्टेंट ये है बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसीलिए तो प्रोविजन करेगा वो मे है ना, देखो एक्चुअल में फ्यूचर तो मैं भी नहीं जा सकती है और कोई और भी नहीं जाएगा, अब मैं है कई बार क्या होता है मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो आगे पैसे इकट्ठे कर दिए, मैंने कहा मैं डॉक्टर बनाऊंगा, अब वो तो 12वें पास नंबर ही 50 लाया, वो बढ़िया काम कर गया तो क्या करेंगे, अच्छा हमने शादी के लिए क्या वो तो भगा लाया अब मैंने देखो मेरा बेटे की पहली शादी हुई थी, पहले बेटे की शादी 450 आदमी गया पहले बेटे की और दूसरे बेटे की लॉकडाउन हुई मात्र 47, तीसरे की भी 48 सर वो खर्चा अब आप कर दीजिए, नहीं 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 वो आगे की बात छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूँ वो आप जहाँ पे सोच पाओगे ना उससे भी आगे कर दो, लेकिन इनवाइट करना मत छोड़ना तो मैं ये बात इसलिए मैं है अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट टाइम से फाइनेंशियल प्लान 10 मिनट के अभी फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाद में पैनिक की सिचुएशन ना हो तो पहले नीचे ना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द राइट अमाउंट इज अवेलेबल एट राइट टाइम with the right value at right hand to ensure the right amount at right hand ab main to paisa to chhod gaya ab maine bill to banayi bacche jagad rahe hain paisa to time pe mila nahi right hand ko gaya nahi, मैं चाहता था ये मेरा ये पैसा ये बच्ची को मिले ये उसको बच्चे को मिले और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं उसको मिल नहीं रहा, तो राइट हैंड पे मिलना चाहिए, पैसा पड़ा भी है मेरे घर से ना, राइट हैंड पे राइट टाइम विद राइट अमाउंट, ये नहीं मेरे को प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की और मेरे हाथ में आ रहा दो 1 करोड़ आ रहा, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इसमें एक चीज और होनी चाहिए कि
बिना किसी हैसल के या उसके प्रोसीजर, वो तो आगे है ना, कौन सी गाड़ी में बैठना है ये अभी तो हम, ये तो दिमाग रहा है क्योंकि ऐसा होना चाहिए। अब नहीं, अब क्या है कि हमारे को प्लान करना है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए लाइफ। तो देखो फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन। अब हमारे को क्या प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ। आई एम इनकम क्रिएटर, मेरे साथ क्या क्या परेशानी आ सकती है, मैं बीमार हो सकता हूं, मेडिकल चाहिए, क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, क्रिटिकल इलनेस भी चाहिए, डेथ हो सकती है, तो डेथ का कवर भी चाहिए, प्रोटेक्शन करना है। अब आप सोचते हो प्रोटेक्शन, डेथ को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकते, फिर प्रोटेक्शन का है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या, फाइनेंशियल जो हमारा लाइफ वैल्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अपने राइट टाइम पे हो जाए, अगर मैं नहीं रहूं तो उसके जगह पे हम वो फंड को क्रिएट कर सकते, इनकम प्रोटेक्शन, इनकम को ये सर ये स्पॉट से मतलब हमें अपनी इनकम की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, अपनी तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, प्रोटेक्शन का मतलब मैं और थोड़ा सा इसमें और जानना चाहता हूं कि प्रोटेक्शन का मतलब हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते जो भी इवेंट है, बट उसके इल इफेक्ट को जो इम्पैक्ट आएगा ट्रांसफर कर सकते हैं ना, जो इम्पैक्ट आएगा उसका उसे कम से कम कर सकते, वो हमारे को हम उसका प्रोविजन करेंगे, तो समझ लो उसके जो इल इफेक्ट को वो हम प्रोटेक्शन देंगे। अब मैं गया, मेरी दो वैल्यूज है, एक तो इमोशनल वैल्यू, मैं एक हस्बैंड, एक फादर, एक भाई हूँ, एक बेटा हूँ, वो रिप्लेसेबल तो नहीं है, पर मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वो तो रिप्लेसेबल है, दिस इज ए प्रोटेक्शन, क्योंकि उस 2 लाख में मेरी फैमिली चल रही है। फाइनेंशियल डिफिशिएंसी नहीं होगी फैमिली, हाँ, तो मेरी उस जो मेरी वैल्यू है उसको प्रोटेक्शन देना है, तभी दूंगा जब उसके लिए प्रोविजन, प्रोविजन ही नहीं करूंगा तो कहां से प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए प्रोटेक्शन सबसे पहला, हमारा पैसा जाना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं प्रोटेक्शन करूं, क्या किसका, इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड, आई एम सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट, हमारा पैसा जाना चाहिए ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जीवन में जो हमारी ड्यूटीज है, आप अपने आप लिस्ट करो कि हमारी ड्यूटीज क्या है, बच्चों को हमें पढ़ाना है, दिखाना है, शादी करनी है, अच्छा अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है, उनके लिए अच्छी हो सकती, जब मेरे बड़े में अच्छी गाड़ी भी दे दो, उनको घुमाने भी ले दो, ये मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लेवल के अनुसार। तो सेकेंड जो एलोकेशन है पैसे का वो आ जाना चाहिए, और थर्ड जो है ना हमारा एलोकेशन होना चाहिए, मोदी जी आज जो कहते हैं आत्मनिर्भर, हमें भी जो आत्मनिर्भर बनना है, जो हमारी इनकम बंद हो जाएगी तो हम सेल्फ रिलायंट रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम रहे हमारी, हम अपने लिए भी प्रोविजन करें। अब हमने क्या होता क्या प्लाट लेके छोड़ दिया, उसके पैसे भर रहे हैं, अपने लिए तो इकन्नी नहीं रखी, बच्चों के लिए 50 लाख खर्ची एजुकेशन में और उनको पढ़ा दिया लिखा दिया, शादी करके वो तो अमेरिका में जाके बैठ गया, और उसके पास जो रह गया, अभी मेरे पास मेट्रो में एक बंदा मिला था मुझे, अभी मैं जब आ रहा था तो मेट्रो में मिला है, लाइफ कहता मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों भी देश में बैठे हैं, मैं कहा भाई साहब आप कितने साल के, कहता 58 साल, मैं फिर काम करने का, वो कहना मेरे हाथ में चोट लग गई, मैं गिर गया था, वो है, मैं अगर काम करने खाए जा रहे तो क्या करूँगा, वो तो आपके विदेश में बच्चे बैठे हैं, आपको पैसा नहीं भेजते, उन्होंने नहीं भेजते, अब तो मेरा फोन ही उठाना पड़ता है, समाज में यहाँ है। और मैं ये बात कहता हूँ, अगर आप 100 रुपये हमारे पास है और यार 80 बच्चों पे खर्च करो, 20 तो अपने लिए रख लो,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद जो नेक्स्ट है, और वो मेरी खुशी है यार, मर्सिडीज आ गई। जब ये मैंने प्रोविजन कर दिया, फिर मर्सिडीज लाऊं। हमारे अतुल भाई भी लाए अपने लिए मर्सिडीज, एक बार जोरदार तालियां। मेरे पास अपना तो प्रोविजन किया नहीं और मर्सिडीज ले आया, उसके नीचे तो छेद है, जैसे घर में आएगी वैल्यू नीचे जाती चली जाएगी। दो साल बाद बेचूंगा, जो 70 लाख की गाड़ी है वो 20 लाख की हो जाएगी। अगर मैंने अपने आप को प्रोवाइड कर दिया तो फिर मजे लो ना यार, फिर काय को ले और क्या करोगे पैसा रख के? एम्बिशन, फिर हमारा पैसा एम्बिशन की तरफ जाना चाहिए। और लास्ट में क्या है, और पैसा अगर बच जाए तो यार एक 500 का प्लॉट मेरा मन है यार, बच्चों को छोड़ लेके छोड़ यार, ये लीगेसी। हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटी ये प्रिंसिपल है, अब कोई माने ना माने उसको अच्छी, ये तो काम करेगा। ये चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय, ये तो काम करेगा। तो ये फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है। अब एक बात बताओ, मैं आप सबसे बात की, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म लंबा कौन लेगा, क्या है कि क्यों कमिटमेंट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, है ना, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, रिटर्न कम है या वो है पुराना डेटा, इन कन्वर्सेशन से क्या आप इन ऑब्जेक्शन को रूल आउट कर पाओगे? और जब इतनी चीजें बोलोगे तो पूछेगा भाई क्या देगा, पूछेगा अरे इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई आदमी को, हर आदमी को रिबेट तो चाहिए, या तो अपने दिमाग से दे दो या जेब से निकाल के पैसे दे दो, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करना। बहुत बढ़िया, यही तो बात है। इसलिए ये सोचते हुए हमने शुक्र की जगह शनिवार किया है,
क्या आपको उचित है सही है या कुछ आप और सजेशन दें? मैं तो हाउस से पूछ रहा हूँ कि आप आपने कुछ सजेशन देना चाहते हैं और शुड बी कंटिन्यू ऑन सैटरडे? छुट्टी वाले दिन ठीक है, तो ये चीज है। और प्लस क्या है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं, ये कारवां बड़ा हो सकता है, तो अपने जो पुराने मित्र हैं उनको बताना है, उन चीज के बारे में सूचना दीजिए, वो भी सैटरडे क्लास होती है। और समय आज थोड़ा हमारा लेट हुआ क्योंकि फर्स्ट डे था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सबसे, नहीं तो अगली बारी 8 बजे एग्जैक्ट हमारा ये सेशन 8 बजे बिल्कुल सबसे बंदा के लिए हम खड़े रहेंगे, अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे, चाहे 10 लोग हों, चाहे 12 हों, या 15 हों, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे को आज पहला दिन था तो थोड़ा सा ये 8:15 हो गए, 8:20 हो गए, अदरवाइज हमारा कमिटमेंट ये रहेगा जब हम अगर समय का कदर नहीं करेंगे और जो है अपने साथियों को जरूर सूचना दीजिए और उनको भी अगर भी आना चाहे वेलकम। और जिन भाइयों की मेंबरशिप अभी रह रही है जो रिन्यू नहीं हुई है उसका भी कंट्रीब्यूशन डाल दें। अब वो फीस हमारी 30,000 रुपये होगी तो उसका भी ध्यान रखें और वो भी अपनी फीस डाल दें। और अपने जो और साथी हैं, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि कुछ हम यहाँ पे अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो दूसरों को प्रेरित करें। हमें कुछ ना कुछ असाइनमेंट रखना चाहिए, जैसे हम क्लास के लिए आए तो मतलब एक असाइनमेंट रखना चाहिए, एक वीक में हमको क्या करना, थोड़ा सा इससे एक फोकस रहेगा मेरा। नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, कुछ ना कुछ टारगेट होगा ना, अगले वीक हमें आना है तो ये यहाँ पे दिखाना है, चाहे ये हमें जवाब देना है, तो इसके लिए क्या आप बताओ आपका सजेशन, या हम बोर्ड में चर्चा करते हैं और चर्चा करके आपको असाइनमेंट टाइप का दे सकते हैं, इसमें टाइम असाइनमेंट रख सकते हैं, जिन्हें इतने लोगों से मिल के आना है और यहां पे आके बताना है, इस तरह से कुछ अकाउंटेबिलिटी है। बहुत अच्छी आप, इस वीक का टारगेट है सबका 2,00,000 क्लेम करके आने सबको। हां तो इसके लिए हम देखो मैं अकेला एम्पावर्ड नहीं हूं डिसीजन लेने का, ये बोर्ड्स पे बोर्ड की हम से वर्चुअली मतलब यही होता है। और मैं आपको एक सिर्फ बता दूं, शेयरिंग के कोई नियम है, हमें अपना नाम बताना है, शाखा बतानी है, और हमारे को टू दी पॉइंट बात करनी है कि भाई मैंने ये शेयरिंग में मैंने ये बात बोली तो मेरा चेक आया, वो आगे पीछे कहानी में गया, वो गया कैसे, गया कैसे नहीं गया, वो चीज नहीं बता क्योंकि हमारा वैल्यूएबल टाइम लिमिटेड टाइम, मतलब हमारी जो शेयरिंग होगी उसमें पहले अपना नाम बताएंगे, अपनी शाखा बताएंगे। और मैंने ये मतलब ये एक प्रपोजल उठाया, वो क्या टर्निंग पॉइंट था, उसकी वजह से उठा, चाहे वो मेरी सर्विस के कारण या मेरी कन्वर्सेशन के कारण या मेरी प्रेजेंटेशन के कारण, बोलो ये सारी चीजें हमें वो चीज बतानी क्रिस्प, तो ये आप ख्याल रखें। और बाकी जो है ना हमारा सैटरडे का आप नीचे देंगे, हमने ये बात बोली थी कि हमने सैटरडे को इसलिए ये चेंज किया है फ्राइडे से कि अब हमारी एडमिशन की छुट्टी, इस वजह से फ्राइडे की जगह सैटरडे। Thank you.